हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में। एसके कैपिटल करना है, ऑनलाइन का ओ कैपिटल, क्लासेस का सी कैपिटल, और बीच में स्पेस रख लीजिएगा, आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। लोगों को आपको लगा हुआ है, वही पुराना लोगो आप लोगों को है, आप लोगों को s.k.t.c. उस पर लोगों पर लिखा होगा। सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम आपको चेंज किया गया है थोड़ी टेक्निकल इशूज की वजह से। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्या, गणित कक्षा 12 की अध्याय नंबर है आपका तीसरा मैट्रिक्स, डॉक्टर मनोहर रूप शर्मा की बुक है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बुक मार्केट पे ले लीजिएगा, आप लोग तो मेरे कल भी लगाइएगा, ठीक है। तो नहीं तो मैं तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। आसानी से आप लोग लगाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और अगर आप लोगों ने अभी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप उससे उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन कल बताए थे, आपको फोर्थ नंबर थर्ड नंबर तक बता दिए थे, आज आपको फोर्थ नंबर बताना है। आप लोग देख लीजिए, ये देखिए आपके पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, थर्ड तक बता दिए थे, थर्ड का एक असाइनमेंट में दिया था, आप लोगों ने लगाया होगा। ये देखिए फोर्थ से आपको सेवन्थ नंबर तक क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, तो आज मैं बताऊंगा आपको ये वाला, फिर ये, तो आप लोग देखिए, लगाइए, एंजॉय कीजिए। बुक को मैं इधर कर दे रहा हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग एंजॉय करते रहिए। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन में ए बी का डैश बी डैश ए डैश निकालना है, हमें इनका पहले डैश निकाल लेते हैं। तो क्या गिवन में ए बी का मान तो दिया ही है, तो यहाँ पे ये डैश निकालेंगे। हमने बताया था जो रो दी है उसको क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे, माइनस वन जीरो दो कर लेंगे, ठीक। जो हमारे बी में जो दिया बी डैश निकालेंगे, तो जो हमारी कॉलम है उसको रो, जो रो है उसको कॉलम कर लेंगे, तीन चार पांच कर लेंगे, माइनस वन दो सात कर लेंगे, दो एक जीरो कर देंगे, ठीक है, जो हो गए। अब हमको लेना है एलएचएस में ए बी का डैश निकालना है। तो एलएचएस लेने के लिए हमको ए बी का डैश निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी मैट्रिक्स दी है उसको हम लिख लेंगे, दो ए का मान दो चार माइनस वन जीरो दो, ये आ गया हमारा ए। बी रख लेंगे हमें दिया तीन चार पाँच माइनस एक दो सात दो एक जीरो आपको दिया हुआ है। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइड दैट यहीं पे कर देते हैं आपको समझ में। देखिए आप लोगों को अभी तक सीख गए होंगे लगाना डायरेक्ट, आपको दो तीन छः चार एकम चार माइनस के चार माइनस के दो छः और चार हो जाएंगे हमारे पास, छः छः हो जाएंगे हमारे पास जीरो। फिर इस पे करेंगे दो चौको आठ, चार दुनी आठ, आठ और आठ हो जाएंगे हमारे पास सोलह, प्लस प्लस के हैं, और यहाँ पे जो एक हो जाएगा माइनस तो हो जाएंगे हमारे पास पंद्रह, ठीक। अब देखिए दो पंचे दस, सात चौको अट्ठाईस, अट्ठाईस का जीरो करेंगे एक का जीरो करेंगे जीरो, तो दो पंचे दस, सात चौको अट्ठाईस, दस हो जाएंगे हमारे पास अड़तीस, ये एक बन गई। अब देखिए यहाँ पे करेंगे इसका करेंगे माइनस तीन एकम तीन, ये हो जाएगा जीरो, दो दुना चार, माइनस के तीन प्लस के चार तो बचेगा एक, माइनस के चार ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएंगे दो तो बचेंगे माइनस के दो हमारे पास। इसका करेंगे तो माइनस के पांच ये जीरो तो माइनस के पांच ही आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ए बी। जब ए बी आ गया तो अब यहाँ पे हम ए बी के साथ साथ क्या कर लेंगे, इसका ए बी का डैश निकाल लेंगे। तो डैश निकालेंगे तो जी आ जाएगा हमारे पास क्या, जीरो पंद्रह अड़तीस, रो को कॉलम में बना कर देंगे, वन माइनस के दो माइनस के पांच, ठीक। तो जी आ गया हमारे पास ए बी का डैश, ठीक। अब हमें एल एच एस मिल गया, अब हम क्या निकालेंगे, आर एच एस, आर एच एस निकालने की कोशिश करेंगे, आपको बता भी रहे हैं। देखिए लिखा है बी डैश और ए डैश निकालना है, तो बी डैश ए डैश का हमने बी ए डैश निकाला है, बी डैश तो बी डैश तीन माइनस एक और हमारे पास दो, सॉरी तीन और ये प्लस के चार और ये पांच लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा हमने रो लिख दी, जो माइनस के तीन माइनस के एक दो आएंगे, दो एक सात जीरो, हम यहाँ पे करेंगे दो माइनस एक चार जीरो माइनस वन और दो, जी हमारा आ गया ए डैश। अब यहाँ पे हम रखेंगे गुणा करेंगे, देखिएगा तीन दूना छः माइनस के चार माइनस के दो, छः छः हो जाएंगे जो जीरो, तीन एकम तीन माइनस का जीरो, दो एक दूना चार तो जो बचेगा एक हमारे पास, घटा देंगे चार दुनिया आठ, चार दुनिया आठ, आठ आठ सोलह और एक हो जाएंगे हमारे पास ये पंद्रह,
चार एकम चार, दो जीरो, दो एकम दो, चार में से दो कम कर देंगे दो आ जाएंगे, क्योंकि ये माइनस के चार, यहाँ प्लस के दो मिले। पांच दूना दस, सात छो को अट्ठाईस, दस हो जाएंगे अड़तीस, जी हो जाएगा जीरो, तो जी हो जाएंगे अड़तीस। पांच एकम पांच, माइनस पांच, सात जीरो जीरो, तो आ जाएंगे माइनस के पांच। देखिए हमारा जो बी डैश ए डैश दिया है, ये हमारा ए बी के डैश के बराबर है, आप लोग देख लीजिए, जी आपको मिल गया। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, लिखेंगे अतः एल एच एस बराबर हमारा आ जाएगा आर एच एस, तो ये हो जाएंगे हमारे क्या, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड आपका आंसर हो जाएगा जी। आपका क्वेश्चन नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आपको बता दिया गया। अब आप लोग लगाइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आ गया, ये रहा क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए डैश का मान दिया है, आपको यहाँ से ए का मान निकालेंगे, ए डैश दिया है हमको माइनस के दो तीन, गिवन में लग लेंगे वन और टू, बी का दिया है हमारे पास माइनस वन जीरो वन टू, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डैश का मान ए, मतलब जब ए से ए डैश बना सकते हैं तो ए डैश से ए भी बना सकते हैं, इसको रो को कॉलम में कर देंगे और कॉलम को रो में कर लेंगे, इससे हम बी डैश निकाल लेंगे, तो यह आ जाएगा माइनस वन जीरो वन टू। अब देखिए हमें निकालना क्या है, ए प्लस टू बी का डैश का मान निकालना है हमें, तो आस्क में हमको ये निकालना है, ठीक है, और ये गिवन में दिया है, यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ दी हुई है वो लिख लेंगे, तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए प्लस टू बी निकालेंगे, ए प्लस टू बी का मतलब ए का मान रखेंगे हम, क्या लिखा हुआ है, ए का मान हमारे पास माइनस का दो वन थ्री टू, प्लस टू बी का मान रख लेंगे हम माइनस वन जीरो वन टू, रख लिया। अब इसका गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा माइनस के, हो जाएंगे हमारे पास दो, तो ऐसे रहेंगे एक तीन एक, ऐसे रहेगा, दो का अंदर गुणा करेंगे माइनस के दो जीरो दो चार हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के, लेकिन साइन माइनस आएगा, वन हो जाएगा जीरो वन, तीन और दो पाँच, चार और एक पाँच हो जाएगा, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा ए प्लस का टू बी। अब देखिए ए प्लस टू बी आ गया, हमें निकालना है ए प्लस टू बी का डैश, तो यहाँ पे डैश के लिए क्या कर देंगे, होल डैश, और रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, जी हमारा आंसर आ जाएगा, जी हमारा आंसर हो गया ए प्लस टू बी का डैश बराबर माइनस चार पाँच एक और पाँच, आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर नंबर हो गया फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको सॉल्व हो गया। आप लोग लगाइए अच्छे से, कोशिश करते रहिए, थोड़ा सा स्पीड में लगाइएगा, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं एक ही लेक्चर में। अब देखिए छः नंबर क्वेश्चन लिखा है, यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश बी डैश, ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश आपको दिया हुआ है, आप लोग लगाइए, कोशिश कीजिए लगाने की, लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना ये है और ये निकालना है, तो फर्स्ट नंबर में हमें क्या निकालना है, एल एच एस लिख लेंगे हम, ए प्लस बी का डैश, तो पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी के लिए क्या करेंगे, तीन दो सात छः लिख लिया, प्लस बी को निकालेंगे तो जीरो माइनस वन चार तीन, इसको बराबर कर देंगे तो दिस इम्प्लाइड दैट का साइन लगा लेंगे, तीन में जीरो जोड़ेंगे तो तीन मिलेगा, दो में से माइनस एक करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो एक बचेगा, सात और चार हो जाएंगे ग्यारह, छः तीन हो जाएंगे नौ, ठीक जी आ गया ए प्लस बी। अब इसका डैश निकालेंगे तो ए प्लस बी का डैश हो जाएगा हमारे पास क्या, रो को कॉलम तीन और एक ग्यारह और नौ कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम ए डैश एल एच आर एच एस ले लेंगे फर्स्ट का, ए डैश प्लस बी डैश निकालेंगे, देखिए ए का मान जो दिया उसको डैश बना लेंगे हम, तो तीन और ये दो हो जाएंगे, ये सात और छः हो जाएंगे, ठीक, प्लस बी डैश को जीरो माइनस वन चार तीन हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ज्यादा आएगा हमारे पास तीन सात चार ग्यारह एक छः तीन नौ हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमारा एल एच एस और आर एच एस हमारा बराबर आ रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे अतः में आंसर लिख लेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस हमारा आ गया, इसको लिख लेंगे क्या, हेंस प्रूव्ड हो गया आपका फर्स्ट नंबर। अब देखिए सेकेंड में हमको क्या करना है, ए माइनस बी का डैश
बराबर ए डैश माइनस बी डैश निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले एल एच एस ले लेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे पहले हम, तो ए माइनस बी का क्या हो जाएगा हमारा, ए का मान रखेंगे 3, 2, 7, 6 माइनस बी का रखेंगे 0, -1, 4, 3। ठीक, तो याद आएंगे 3 में से 0 घटाएंगे 3, 2 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 और 1 हो जाएंगे 3, 7 में 4 करेंगे 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3, हमको आ गया 3, 3। ए माइनस का बी हमारे 3, 3 आ गया, तो यहाँ लिख लेंगे ए माइनस बी का डैश, तो हमारा ये भी हमारा 3, 3, 3 ही रहेगा, ये हमारा आ गया माइनस बी आ गया। अब लिखेंगे ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश, तो ए का मान जो दिया था हम वही लिखेंगे, उसको डैश कर देंगे 3, 2, 7, 6 माइनस बी डैश का आ जाएगा 0, -1, 4, 3। ठीक, अब इसको हम जोड़ देंगे घटा देंगे, 3 में से 0 घटाएंगे 3, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 2 और माइनस प्लस 1 तो हो जाएंगे 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3। अब देखिए ये एल एच एस आर एच एस बराबर, तो लिख लेंगे आता एल एच एस बराबर हमारे पास क्या आ गया, आर एच एस हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 6 भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन बहुत आसान बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं, अच्छे से लगाइएगा, एंजॉय करते रहिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को सारी चीज़ बताने के बाद आप लोग को क्या करना है, यूट्यूब चैनल को क्या अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, नए जोश नई एनर्जी नए उत्साह के साथ कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।